बेटा ऐसा है, एक मिनट खामोश ना रहो, एक मिनट का दिवा गुस्सो ही ना है, जैसे गुस्सा आवे है ऐसे गुस्सो ही ना है का दिवा ऐसो दे दे ताली हंसक रहे थोड़ थोड़ी सी बातन पे। एक दिन मैं इन बासन अंधोरी जैसे कुर्सी पे बैठ जाऊं, एक मिनट निचाल ना रहो, कभी आगे करो कभी पीछे करो, ऐसा ऐसा हंसा आवे। मैं कह रही मैं कि बेटा तू निचाल ना बैठ, जैसे निचाल बैठ जा जब मुगर मत तो पता ना है, मैं अक्कल का मंदर साम पढ़ू, अक्कल का मंदर साम पढ़ू। जब जुमा की नमाज के बाद जब नवा दुहा दियो, जब बुलाई मैं तो नू सुपर ली हाँ कौन बैठा राखी बैरबानी ने घेर के नू का आज देख ले, देखे तुम मसहरी भरी पड़ी। मेरा बेटा के सारा जख्म है ये, चांद भी माटी में समा गो, चांद को टुकड़ा भी माटी में जा सोयो। लेकिन ऐसे काई के साथ ना हुए जैसे मेरे साथ हुयो है, जैसे मेरे बेटा मासूम हो बेगुनाह हो और जालिमन ने इकरार कर ली वो बात, हाँ हमने मारो है, हमने चक्कू मारो है। जब सुबह का दिन निकला है 25 तारीख का, तब उन्होंने कही कि मैं बोली जब हमारी लड़कियां ऊपर चढ़ के गई हैं तो वो आगे लग रही चारों तरफ कि अम्मी वो तो जय सियाराम के नारे लगा रहे हैं और आग लग रही है बहुत तेज तेज। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं निकल के गई, मैंने कहा भाई साहब अब हम जाएँ या रुक जाएँ, क्या ऐसा करके हाथ जोड़ लिए कि अब तुम कहीं भी जाओ हम तुम्हें बचा ना पाएंगे। अब ना डर लगे मुझे, मुझे जब डर लगता थोड़ा से जैसे आए ना 15 दिन में एकदम जैसे जला तो पड़ैया पूरा शिव बिहार, तो कहीं कदम रखते वहीं पर ही काले काला दिखता। भैया जो हमारी बेटी है ना, इन्होंने कह दी कि हम चाहे मरें या जिये अम्मी रिंगे हम नहीं, किन्नों की जरा जरा सी सी इन्होंने जब आँख खोली तो नहीं देखा और दूसरे उसमें जानना चाह रही हैं।
ये हमारा जो गांव है ना, ये खंदावली गांव है, तो हमारे ही चारों तरफ हिंदू लोग रह रहे हैं, जब 1947 हुई ही तो 900 कुछ लोग चढ़ियाए है, कदी चढ़ियाए बताए ये कुछ लोग या गांव पे हमला करना के लिए। तो जो ये गांव है ये जाठन को है, लेकिन इन लोगों ने नो कही कि जब तम आगे को नो को जब रिक्सोगे जब पहले हमने मारोगा, तो वे लोग उल्टा होनी से बगत गए हैं। उन्होंने अपने वतन को चूज़ किया, अपने वतन में रहना पसंद किया, तो ये अच्छा है। जो लोग चले गए वो चले गए, इसमें अगर वो यहाँ रुक गए अब हम उनको कोसें कि भाई वो क्यों रुक गए, पाकिस्तान चला जाना चाहिए उन लोगों को, लेकिन वो नहीं गए तो उनकी अपनी मर्जी थी। अब हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई उन्होंने गलत फैसला लिया, वो हमारे बड़े हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने जो किया हमारे लिए अच्छा ही किया। ये सरकार आंखन की आंधी होके कुर्सी चाहिए इन लो, ये का ये ना देख रही है, कुर्सी दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, लेकिन जनता ही उतारेगी यह कुर्सी पैसो, ये जनता ही उतारेगी यह कुर्सी पैसो, जैसे जनता ने बिठाई है ये ऐसे ही जनता ही उतारेगी यह। और जब अल्लाह ताला आगे कोई रास्ता निकालेगा तो फिर आगे कदम धरूंगी, अगर मैं जिंदी रही तो इंशाल्लाह अपना बेटा के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक मेरे दम में सांस रहे। हम यहीं रहेंगे और यहीं जो मुसीबतें जो आएंगी उनका डटकर मुकाबला करने वाले हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। जामुद्दीन को बदनाम हम होने नहीं देंगे, वो अपना दीन मरकज है उसे खोने नहीं देंगे। जहाँ से हम गपे गामे दुनिया भर में जाता है, मोहब्बत का उफुवत का तराना गुनगुनाता है, सबक इंसानियत को हर किसी को जो पढ़ाता है, जो मिलजुल कर हर इंसान को जीना ही सिखाता है। अमन के दीप को हम लोग गुल होने नहीं देंगे, निजामुद्दीन को बदनाम।